के डेटा देख के ही हम कह सकते हैं, सुप्रीम के डेटा देख के। अभी मैंने रिजल्ट आप लोग के साथ सुप्रीम के शेयर भी किए, राइट, जो क्लियर था एकदम, 8% का सेल्स ग्रोथ है, पिछले साल 18% का सेल्स ग्रोथ था और आपका सुप्रीम दौड़ रहा था। लेट मी ओपन द चार्ट ऑफ सुप्रीम, दिस इज योर सुप्रीम इंडस्ट्री, राइट। तो सुप्रीम को किससे कंपेयर करेंगे, एस्ट्रल से करेंगे, जैन इरिगेशन से करेंगे, बराबर ना। हमें सब सेक्टर्स के साथ समझो दोस्तों। यहां पे मैंने सुप्रीम का डेटा ओपन किया, अब यहां मैं देख रहा हूं पिछले साल 18% का सेल्स ग्रोथ, हमने बढ़िया रैली देखी थी, है ना, मस्त एकदम, कोविड के बाद सीधा 1600 से 5000, तो रैली आई क्यों आई, धंधे बढ़े, प्रॉफिट बढ़े। अभी क्या है, अभी रिसेंट सिनेरियो दोस्तों, ये साल क्वार्टर वन से ही ग्रोथ ठंडा हुआ है, अभी भी 8% ग्रोथ है दोस्तों, 8% ग्रोथ अच्छा नहीं है, राइट। तो धंधा थोड़ा म्यूटेड हुआ। जब इसके रिजल्ट हमने एनालाइज किए दोस्तों, मैंने देखा वॉल्यूम तो यार इनके 24% से बढ़े, तो मतलब फैक्ट्री में से ट्रक पे ट्रक भर के निकल रही है, हम ये तो कह ही नहीं सकते धंधा मंदा है, पर फिर भी रेवेन्यू सेल्स क्यों 8% से बढ़ा दोस्तों, उसका जवाब आपको मिलेगा मटेरियल से। आप जानते ही हो दोस्तों, लास्ट ईयर इन्फ्लेशन की वजह से मटेरियल बड़ा महंगा हो गया था, तो कंपनीज ने दाम बढ़ाए थे, इस साल मटेरियल सस्ते हो गए, डिफ्लेशन है, इन्फ्लेशन कम नहीं हुआ है, ये प्रोडक्ट में डिफ्लेशन है, राइट, कंटिन्यू दाम कम हो रहे इनके रॉ मटेरियल के। इनके रियल में वॉल्यूम 24% से बढ़े, इसका मतलब ये कि पिछले साल अगर मैंने 100 मिलियन टन प्लास्टिक बेचा, इस बार 124 मिलियन टन बेचा, यानी धंधा तो जोरदार है एकदम, कोई टेंशन नहीं है बिजनेस, राइट। लेकिन जो रॉ मटेरियल के दाम बिल्कुल कम हुए, तो लास्ट ईयर प्राइस हाइक की थी दोस्तों, उसको हमको डाउन करनी पड़ी, राइट, डाउन लानी पड़ी प्राइस को, जिससे रेवेन्यू पे इफेक्ट है। 24% बढ़ने के बाद आपका रेवेन्यू खाली 8% से बढ़ा, राइट। तो एक चीज क्लियर है कि हम धंधे को इस साल सेल्स में कन्वर्ट नहीं कर पाए, कर पाए दोस्तों, नहीं कर पाए। अब ये शेयर चलता है कितने के पीई पे, देखो ये मैंने लिखा होगा यहाँ पे वैल्यूएशंस में, 45 के पीई पे, यार 45 का पीई है, 8% से धंधा बढ़ता है, दैट्स नॉट ग्रेट, राइट। तो हम सुप्रीम में तेजी देखेंगे, कब देखेंगे वापस, अभी तो करेक्शन में ही होगा। देखो ये आपका चार्ट, क्यों सुप्रीम करेक्शन में आया आपको पता रहना चाहिए, बिकॉज देयर सेल्स आर नॉट सो ग्रेट राइट नाउ, व्हाई, वो भी आपने समझा, राइट। जैसे ही दोस्तों प्राइस पे इफेक्ट डाल पाएंगे, प्रोडक्ट के दाम बढ़ा पाएंगे, आप यहाँ पे ग्रोथ को रिटर्न आता देखोगे। तो ये कोई लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों, प्रॉब्लम कब होता है पता है, लॉन्ग टर्म कब आपके शेयर 3-3 साल तक करेक्शन में रहते, जब धंधे दोस्तों गिर जाए, रियल सेंस में धंधे में बड़े प्रॉब्लम नहीं है, राइट, खाली प्राइस वैल्यूएशन नहीं कर पा रहे, ऑलराइट। प्रॉफिट दोस्तों 40% से ही बढ़ रहे, तो कुछ लोग बोलते हैं यार प्रॉफिट 40% से बढ़ के आया तो भी शेयर गिर रहा है, वो लोग क्या करते हैं ना, टीवी में देखते, टीवी में आया 40% प्रॉफिट अप, दूसरे दिन सुप्रीम का फ्यूचर ले लिया और फिर देखते ये तो यार गिरता जा रहा है, फंस गए, ये टीवी वाले फंसाते हैं, उन्होंने नहीं फंसाया, मैंने आधा डेटा देखा, खाली प्रॉफिट से क्या होता है, दोनों चीजें चाहिए दोस्तों, क्योंकि अकेला प्रॉफिट टिक नहीं सकता है। पिछले साल देखा प्रॉफिट डाउन थे तो भी आपका शेयर चला था, डिमांड जबरदस्त थी तो पता ही था कि प्रॉफिट तो आने ही वाला है पीछे पीछे, राइट, गॉट इट। हमें डिमांड भी चाहिए दोस्तों, बराबर है, दिस इज योर चार्ट, यहां पे हम क्या उम्मीद रखेंगे दोस्तों, यस ये करेक्शन में है, धंधे बिगड़े हैं क्या बहुत इनके, नो, एसआईपी कर सकते हैं, जरूर कर सकते हैं दोस्तों, राइट। देखो हम लोग इस कंपनी में इन्वेस्टर कब से पता है, सिंस दिस टाइम 2007-8-9-10-70-80 पे अगर हमने लिया, हमने इसको 200 पे भी लिया दोस्तों, हर एक फॉल का फायदा उठाया, 6,000-1200 पे लिया और अभी भी हम ले रहे, जस्ट इमेजिन, क्योंकि ये सुप्रीम का अंत नहीं है, अभी तो लंबा सफर तय करना है दोस्तों। इंडिया जैसे आगे आगे ग्रो करेगा दोस्तों, हम सुप्रीम को 20,000 करोड़ टर्नओवर पे पहुंचता देखने वाले हैं, राइट, हम प्रॉफिट इसके 1700 करोड़ देखने वाले हैं, ऑलराइट, सो नो नीड टू वरी, राइट फ्रेंड्स, एसआईपी जरूर कर सकते हैं, करेक्शन मोड में है ये, प्रिपेयर रहे। अगर मैं आपको पूछूं दोस्तों सुप्रीम रैली में है, फॉल में है कि करेक्शन में है, तो आप क्या बोलोगे, ये रैली थी और ये सब करेक्शन है। फॉल कब बोलते पता है, फॉल भयंकर आता है दोस्तों, मैं चला, यहां ध्यान से देखो दोस्तों, चलने में मैंने 16 महीने लिए, 16 मंथ, 16 महीने में मैं 1700 से मतलब 3 गुना हुआ है कि नहीं, 16 मंथ इज इक्वल टू 3x। अभी मैं टूट रहा हूं, है ना, गिनने का, कब से टूट रहा हूं, चलो गिनते इधर से,
अभी तो ये छठा महीना चल रहा है, 6 महीने में टूटा, लेकिन तोड़ने वालों में दम नहीं है दोस्त, शांति से टूट रहा है, राइट? ये स्ट्रेंथ बता रहा है, ऑलराइट? मैं क्या उम्मीद कर सकता हूं? अभी ये शेयर करेक्शन में है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसे हम करेक्शन में SIP करेंगे दोस्त। अगर किसी के पास नहीं है, यस, वो ऐसे ही समय का तो फायदा उठा के एक्युमुलेट कर सकते हैं, नहीं तो रैली में लेने पड़ेंगे। ये करेक्शन यहां पे भी कुछ चला, यहां पे भी चला, हर करेक्शन के बाद क्या आता है? रैली। तो ये करेक्शन चलेगा, फिर क्या आएगा? रैली। तो SIP करो ना दोस्त, यहां पे आपको मौका मिल रहा है, बाजार चल रहा है, सुप्रीम नहीं चल रहा है, राइट? इसे कंपेयर किसे करेंगे? देखो दोस्तों, इसका पूरा इंडस्ट्री का यहां पे कंपैरिजन दिया हुआ है, राइट? स्ट्रॉन्गेस्ट कंपनी दो है इस सेक्टर में, सुप्रीम और एस्ट्रल। मैंने बहुत बार बताया दोस्तों, हमारा एस्ट्रल में कोई निवेश नहीं। दोस्तों क्यों निवेश नहीं है? क्योंकि हम बरसों से, एस्ट्रल का IPO आया उससे पहले से हम लोग सुप्रीम में निवेश करते हैं। अब सुप्रीम ऑलरेडी बढ़िया कंपनी है, तो मैं क्यों कंपनी छोड़ के इधर उधर भागू? बट इफ यू आर इन्वेस्टिंग इन एस्ट्रल, नो नीड टू वरी, अच्छी कंपनी है, राइट? बट दोनों का चार्ट देखते हैं, राइट? देखो सुप्रीम ने क्या करके दिया, ऑलमोस्ट ये 3800 का प्राइस और ये 2000, जस्ट हम इसको 2003 में 8 रुपीज, 8 का 80 नहीं 800 नहीं 3800, 8 का 80 यानी 10 गुना, 800 यानी 100 गुना, 300-400 गुना करके दिया है दोस्तों, आंखों के सामने, हमारे आंखों के सामने मैंने देखा है लोगों को, लोगों ने लिए, हमसे ज्यादा बड़ी क्वांटिटी ली थी, हमारे पास तो पैसा ही नहीं था यार, कहां से बड़ी क्वांटिटी लेंगे, पर वो बड़ी बड़ी क्वांटिटी ली और उन्होंने तुरंत बेच दी, वो लॉन्ग टर्म रहे नहीं क्योंकि उनको डर लगता था, राइट? तो वो भी, वो लोग पछताते इधर, देखिए यार ये तो कितना चला, राइट? देखो हम कंटिन्यू जैसे जैसे धीमे धीमे कमाते गए, SIP करते गए, राइट? और आज वो प्राइस है, वो प्राइस तो ह्यूज डिफरेंस हो गया, राइट फ्रेंड्स? अब एस्ट्रल का जो IPO आया, यस, एस्ट्रल वॉज अ वेरी गुड कंपनी, राइट? दोनों के चार्ट में सिमिलैरिटी कुछ दिखी। देखो सुप्रीम अभी करेक्शन में आया, एस्ट्रल इतने समय से करेक्शन में है, तो भी आप अगर एस्ट्रल का रिजल्ट एनालाइज करोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, ये 26 महीने से सेल्स और प्रॉफिट में इनके प्रॉब्लम होंगे। अगेन दोस्तों, घबराने का नहीं, ऐसे करेक्शन से इधर आया था, है ना? आया था कि नहीं, तो आप बोलो शेयर नहीं चलता है, नहीं चलेगा कुछ समय, करेक्शन तो आना ही है, पर जो सही इन्वेस्टर होते हैं दोस्तों, वो करेक्शन के बाद रैली की तैयारी करते हैं, वो इधर ऐसी SIP करते हैं कि बाद में जब रैली आती है तो पूरा गांव शेयर लेने को दौड़ता है दोस्तों, वो टाइम पे ये लोग शांति से बैठे बैठे रैली देखते हैं खाली, राइट? अगर हमने यहाँ पे SIP किया दोस्तों, कि आप बोल ही नहीं सकते मौका नहीं दिया दोस्तों, ये इतना बड़ा मौका है, अच्छे अच्छे लोग हथियार डाल देते, 30 महीने 3 साल तक आपका एस्ट्रल ना चले, आप बोलोगे पीयूष भाई घटिया कंपनी आ गई है यार, ये बेच के कुछ और लेते, फिर जब ये बेचेंगे ये दौड़ेगा और वो कुछ और जो लिया है वो 30 महीने के लिए करेक्शन होता है कि नहीं? ऐसा तो ऐसा इधर उधर नहीं घूमने का, डिसीजन लेके दोस्तों प्रॉपर समझ के शेयर लेने का, राइट? अगर मैं 30 महीने सहन नहीं कर सकता हूं मेरे शेयर का करेक्शन, तो मुझे दोस्तों ये जो रैली मैंने 150 से 750 गुना की देखी, मैं इस रैली के लायक बिल्कुल नहीं। अगर मुझे ये रैली चाहिए पोर्टफोलियो में, मुझे इसका सामना करना ही पड़ेगा, और ये बुरी बात थोड़ी ना है, करेक्शन आए नहीं तो मैं SIP कैसे करूं? दोस्तों आप में से ज्यादातर लोग हर महीना कमा रहे होंगे, या तो आप जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, कुछ ही हो सकते हैं जो बाय बॉन्ड, चलो करोड़पति, मेरे पास तो आज ही करोड़ों रुपया डालने को, ऐसा नहीं बोल सकते हर कोई, ज्यादातर लोग तो कमा रहे हैं ना मेहनत करके हर महीना, तो आपको ये आशीर्वाद मिलता है, करेक्शन है, चलो थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करो ना। 30 महीने तक आप कमाते गए और आप SIP करते गए, फिर देखो ये फायदा, राइट? सो नेवर एवर से कि यार करेक्शन में मजा नहीं है, करेक्शन में ही मजा है। अगर करेक्शन आता नहीं दोस्तों, हम भी माल नहीं इकट्ठा कर पाते, राइट? सो दिस इज योर एस्ट्रल, स्ट्रॉन्गेस्ट कंपनी दो हमने देखी, ज्यादा स्ट्रॉन्ग सुप्रीम है दोस्तों, एस्ट्रल सेकंड प्रायोरिटी। देखो दोस्तों धंधा आप देख ही सकते हो कितना डिफरेंस है, पर लोग पता है ज्यादातर क्या सिलेक्ट करते, नीचे वाली, उनको इन्हीं सब में इंटरेस्ट है, उनको बड़ी अच्छी कंपनियों में इंटरेस्ट नहीं है। यू कैन चेक इट हियर, कौन सा ये, जय कॉर्पो, शैली, अपोलो पाइप्स, जैन इरिगेशन, यहाँ पे मैं ये जैन इरिगेशन डालता हूं दोस्तों। जब हम लोग सुप्रीम में इन्वेस्ट करते थे 10-15 साल पहले की मैं बात कर रहा हूं, तब भी लोगों को यही पसंद थी जैन, दिस इज जैन इरिगेशन दोस्तों, बड़ा डेप्ट, प्रॉफिट कभी करते नहीं है। अब सोचो आज 10-15 साल बीत गए, अभी सुप्रीम 300 गुना हो गई, और ये तो ये IPO का दाम चल रहा है अभी भी। लोग कहते हैं कि मेरे को नुकसान हो गया, मैंने शेयर लिया वो चला ही नहीं, वो नुकसान नहीं है, नुकसान बड़ा क्या है पता है, सुप्रीम में आज अगर यहाँ पे
एक लाख रुपया अगर हमने लगाया जहां पे वो दोस्तों लाख रुपए का डिविडेंड हर साल दे रहा है, एनुअल लाख रुपए की अर्निंग मैंने गुवाई दोस्तों, और उसके सामने मेरी ये कंपनी जो खुद लॉस कर रही है, चलता नहीं है, लेकिन उससे बड़ा नुकसान है कि आज मुझे जीरो डिविडेंड आ रहा है, लाख लगाया जीरो डिविडेंड, राइट। ये मत बोलो कि खाली रैली से शेयर बाजार में अर्निंग होती है, शेयर बाजार की बड़ी अर्निंग तो ये है जिसपे ध्यान ही नहीं है किसी का। दोस्तों दूर रहो ये सब कंपनियों से, दूर रहो टिप्स से, राइट। बहुत ऐसी टिप्स चलेगी कि ये ऐसा दौड़ने वाला है मोमेंटम स्टॉक्स, ना ये स्टॉक्स ना वो स्टॉक, वो सब सिर्फ दोस्तों ब्रोकरेज बनाने के लिए है। आप रोज काम करते जाओगे, ब्रोकरेज बनती जाएगी, वेल्थ के लिए नहीं है वो स्टॉक, राइट। चेक एनी स्टॉक्स, कितना मेरे को अभी भी ध्यान है, इतना इंटरेस्ट हुआ करता था लोगों को यहाँ पे, जस्ट लेट मी राइट डाउन, वो ऑपरेटर्स होते हैं ना, बहुत सुना होगा शायद नाम, ऑपरेटर्स के टिप, चेक और ले लो, जबरदस्त कंपनी। ये वही टाइम है जो समय पे सुप्रीम इकट्ठा एसआईपी करते थे हम, सी 15 साल हो गए दोस्त, सेम भाव सेम डिविडेंड, कहां नुकसान करते समझ में आया ना, उनको किसमें इंटरेस्ट है, सट्टेबाजी में इंटरेस्ट है, राइट। तो कोई और नुकसान नहीं करवाता उनको, वो खुद जान के नुकसान करते हैं दोस्त। अब यहां पे आप बोलो नहीं पीयूष भाई मैं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूं, अभी गिरा है ना कल चलेगा, तो ये तो 15 साल हो गए क्यों नहीं चला। मैं आपको पहले ही बताया दोस्तों कि हर एक शेयर में ये तीन चीजें आती है, फॉल आता है, करेक्शन आता है, रैली आती है, पर कुछ चीजों में फॉल भयंकर होते हैं जिनके धंधे प्रॉफिट का ठिकाना नहीं है, कुछ चीजों में रैली जबरदस्त होती है जिनके सेल्स प्रॉफिट बढ़ते रहते हैं। अब आपको डिसीजन लेना है कि आपको ऐसे में जाना है कि ऐसे में जाना है, राइट। बाकी लॉन्ग टर्म रख के भी पैसा कमाएंगे कोई जरूरी नहीं है, ग्रोथ तो होना चाहिए ना दोस्तों अपनी कंपनियों में, बराबर है।